कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपनी नापाक सोच कभी नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने दो टुक कहा कि आतंकियों का खुला समर्थन करने का पाकिस्तान का इतिहास रहा है। इस करारे जवाब के बाद से सोशल मीडिया पर हैशटैग स्नेहा दुबे ट्रेंड करने लगा। ट्विटर से लेकर फेसबुक पर लोग इस दमदार महिला अधिकारी के बारे में सर्च करने लगे। आइए जानते हैं आखिर स्नेहा दुबे इस मुकाम तक कैसे पहुंची। सबसे पहले ये जानते हैं कौन है स्नेहा दुबे। स्नेहा दुबे ने पहले प्रयास में ही यूपीएससी में सफलता प्राप्त की थी। वे 2012 बैच की महिला आईएफएस अधिकारी हैं। आईएफएस बनने के बाद उनकी नियुक्ति विदेश मंत्रालय में हुई। इसके बाद साल 2014 में भारतीय दूतावास मैड्रिड में उनकी नियुक्ति हुई। कुछ साल बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बता दें कि स्नेहा ने जेएनयू से एमए और एमफिल की है। स्नेहा की शुरुआती शिक्षा गोवा में हुई। इसके बाद उन्होंने पुणे के फग्युर्सन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण भाग भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे भी। मेंबर स्टेट्स आर अवेयर दैट पाकिस्तान हैज एन एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री एंड पॉलिसी ऑफ हार्बरिंग, एडिंग एंड एक्टिवली सपोर्टिंग टेररिस्ट्स। भारत की बेटी ने इस बात को तो साफ कर दिया कि पाकिस्तान की बोलती बंद करने के लिए इस देश की एक महिला भी काफी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।